स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैथ क्लास 3, टॉपिक नंबर ऑपरेशंस, एक्सरसाइज 2D, क्वेश्चन नंबर 10, द कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल्स इज रुपीज 81, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। स्टूडेंट्स, हमें 9 पेंसिल्स की प्राइस गिवन है 81। हमने फाइंड करनी है कि हर एक पेंसिल की प्राइस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन में हमें स्टूडेंट्स लिखना है कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल्स। जी स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल्स कितने रुपीज दी गई है हमें? 81। ओके, हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो 9 पेंसिल्स की प्राइस 81 है, उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पेंसिल्स, जो कि कितनी है हमारे पास? 9। हमारे पास 9 पेंसिल्स की प्राइस है 81, तो हम 81 प्राइस को 9 पेंसिल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक पेंसिल की प्राइस आएगी, तो हम डिवाइड करेंगे, ये डिवीजन का साइन। इसमें स्टूडेंट्स 81 हमारा डिविडेंड है, तो हम उसे डिविडेंड साइन के अंदर लिखेंगे, और 9 हमारा डिवाइजर है, उसे बाहर लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, जो 9 हमारा डिवाइजर है, इसका टेबल हमने रीड करना है। ठीक है, तो 9 के टेबल में 81 आता है। जी आता है कहां तक रीड करने से? 9 9 81। अब 1 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 0 होगा। 8 में से 8 सबट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर 0 आया, और क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? 9। इट मींस दैट हर एक पेंसिल की प्राइस क्या है? 9। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें 9 पेंसिल्स की प्राइस दी गई है 81। हमने हर एक पेंसिल की फाइंड करनी है, जो कि कितने रुपीज है? 9। कितने रुपीज है स्टूडेंट्स? 9। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 की प्रैक्टिस करनी है और इसका होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।